रक्षाबंधन का त्योहार भिवानी जिला जेल में भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। जिला जेल में कैदियों को उनकी बहनों के द्वारा राखी बंधवाई गई। कैदियों की बहनें जिला जेल में पहुंची थी। बता दें कि जेल में उनके लिए सभी इंतजाम किए गए थे। जेल में ही राखियां, सिंदूर और मिठाई का प्रबंध किया गया था ताकि भाई बहन इस पवित्र त्योहार को मना सकें। भैया से मिलने आई, मेरे भाई से मिलने आई हूँ, राखी बांधने के लिए आई हूँ। बहुत प्यार से बात की है उसने, जो भी उससे गलती हुई है वो माफी मांगा है और आगे से ऐसी बात कुछ नहीं। हमारे माननीय डीजी अखिल साहब के आदेश अनुसार भिवानी जेल पर रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी भाई बहनों को उनकी बहनों द्वारा राखी बंधवाई गई। जिला जेल भिवानी की तरफ से मिठाई, राखी और सिंदूर जेल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और बाहर बहनों को बैठने के लिए टेंट और पानी का प्रबंध अच्छी तरह से किया गया है। किसी प्रकार की असुविधा न हो और हमारी कोशिश ये रही कि सभी बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधे और अच्छे से मिलें और आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सभी जेल के कर्मचारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मकानों पर झंडा फहराएं और शहरवासियों से भी मेरी अपील है कि 15 अगस्त को अपने घरों पर झंडा फहराएं और आज़ादी का महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। महेंद्रगढ़ में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हिस्सा लेंगे। 13 अगस्त को महेंद्रगढ़ में होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर राव तुलाराम चौक से प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जोगेंद्र राजपूत के नेतृत्व में 75 मोटरसाइकिल से लेकर गांव पाली में ये जत्था पहुंचेगा। 13 तारीख को हमारे प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करेंगे। पाली बाबा जयराम दास के स्टेडियम में और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा प्यारा वो लोकार्पित करेंगे। राम तुलाराम चौक से हमारी बाइक यात्रा और धनखड़ जी को लेकर के बाइक यात्रा बाबा जयराम दास के कार्यक्रम स्थल तक लेके जाएगी। वो 3 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में भारत के लोकप्रिय यशस्वी ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों में खास तौर पर गाय माता में लंपी बॉक्स नामक बीमारी फैल रही है, जिससे गाय के पूरे शरीर पर फोड़े हो जाते हैं। गाय 10-12 दिन में ही इस बीमारी से मर जा रही है और अभी तक इसका कोई इलाज या दवाई बाजार में नहीं है। इसी से दुखी होकर मानस गांव का किसान सुरेंद्र कुमार आज कैथल के पिहोवा चौक पर धरने पर बैठ गया। किसान का कहना है कि मैं सरकार का ध्यान इस बीमारी की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। कुछ दिन हमारे भाई पिंपल की बीमारी चल रही है, अब जो गाय हैं उनमें पिंपल की उसे फोड़े से बन जाए भाई। अरे उनका भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ छोटा हाई निवेदन लेकर आया, जल्दी से जल्दी भाई इसका इलाज कराया जावे और सरकार को एक खास दुआई बनाई जावे और लैबा में टेस्ट करके जल्दी से जल्दी भाई इसकी जाँच हो बीमारी किस चीज़ की है, ताकि भाई अब बीमारी है जो यूरे रुक जाए और इस पर मक्खी मच्छर भी फेंक लेंगे भाई और वह भाई वो उसका भाई खुद इंसानों में फैल जाए। जड़े तक मेरी नॉलेज है, मैंने इस बारे में डॉक्टरी तो करी और नहीं रखी, लेकिन भाई चलो भाई मैं आदमिया न फैला लेकिन भाई। रोहतक जिले के सांपला कस्बे के रहने वाले बीएसएफ जवान राय सिंह पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हो गए थे। परिवार को इस वीर सपूत की शहादत पर गर्व है, हालांकि कुछ मायूसी भी है। वो चाहते हैं कि शहीद राय सिंह के नाम से किसी स्कूल या कॉलेज का नाम रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये पता चल सके कि देश की सुरक्षा में किस तरह से राय सिंह ने शहादत दी थी। 6 साल पहले भाई की शहादत हुई थी तो उसको देखते हुए भी जो सरकार ने जो फैसिलिटी देने की, जो उसकी पेंशन है, तनख्वाह है, उसी से इनका गुजारा होता चल रहा है। और जो हमारा तो यही था कि जैसे पार्क बनी है, पार्क में उसका स्टैचू लगा है, तो हमारी ख्वाहिश यही थी शुरू से ही कभी एक कॉलेज का या गवर्नमेंट स्कूल का
हमारा यहाँ सांपला के अंदर जो भी है उसका एक नामकरण उसका अगर हो जाता। रक्षाबंधन पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, इसलिए महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है। सरकार ने भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों को राखी बांधने जाने वाली बहनों के लिए सरकारी बस सेवा को फ्री किया है। सरकारी बस सेवा फ्री होने के कारण बस स्टैंड पर भीड़ हो जाती है और भीड़ का फायदा उठा अपराधी चैन स्नेचिंग चोरी जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं, इसलिए ऐसी घटनाओं को रोकने बस स्टैंड पर पुलिस के अलावा अलग से फोर्स भी तैनात की गई है। रक्षाबंधन महिलाओं का त्यौहार है और रक्षाबंधन के पर्व पर हमने जो है ना महिलाओं की सुरक्षा हेतु अलग से फोर्स मंगा के और बस स्टैंड के बाहर तैनात किया हुआ है। आवारा किस्म के महिलाओं और अपराधी किस्म के तत्वों पर हमारी नजरें हैं। किसी भी महिला के साथ या किसी भी यात्री के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हम जो है ना सक्रिय हैं। सत्य सटीक बेबाक